कितना था, 2x-y प्लस जेड का होल स्क्वायर। ओके, अब यही माइनस वाला इसीलिए ना दिक्कत है। देखो तो इसको लिखो, 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ओके, दिया गया व्यंजक किस रूप का है? दिया गया व्यंजक a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर के रूप का है। ओके, चूंकि हम जानते हैं क्या चीज, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 into AB प्लस बी सी प्लस सी के। हो गया, इतना होता है ना। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 into AB प्लस बी सी प्लस सी ए। हो गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x प्लस माइनस वाई का प्लस जेड का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे कितना होगा, 2x का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2 into 2x into y प्लस माइनस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू 2x। ओके, 2x का स्क्वायर कितना होगा, 4x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 into यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 2xy माइनस वाई जेड और प्लस 2zx, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और यहाँ पे दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 4xy फिर यहाँ पे माइनस 2yz और दो दो ना 4zx, इतना हल्का। टू टी क्यूब प्लस 26t² प्लस 64t प्लस 40। ओके, अब यहाँ से ए टी का कितना मान रखा जाए कि सब जीरो हो जाएगा, सब चौंसठ और 2 कितना होता है, 66 और 40 और 26 कितना होगा, 66 होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि टी के जगह पे यदि टी बराबर कितना, माइनस वन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 into -1 का क्यूब प्लस 26 into -1 का स्क्वायर प्लस 64 into -1 प्लस 40। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 into -1 प्लस 26 into 1 माइनस 64 प्लस 40। यहाँ पे कितना होगा, 2 से -1 में गुना करेंगे कितना, -2 प्लस 26 माइनस 64 प्लस 40। माइनस वाला को एक साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -66 और इसको प्लस 66। हो गया, दोनों क्या हो जाएगा, 0। तो टी का वैसा मान जो बहुपद में रखने पर क्या हो जाएगा, बहुपद का मान 0 हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अतः शेषफल प्रमेय से के अनुसार पंखा बंद, शेषफल प्रमेय के अनुसार क्या होगा, t बराबर कितना है, -1
इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी प्लस वन बराबर जीरो। तो टी प्लस वन बराबर जीरो क्या होगा, दिया गया बहुपद का, बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ओके, अब गुणनखंड है तो इसका मतलब टी प्लस वन सब में क्या होगा, कॉमन होगा। अब टी प्लस वन सब में कॉमन है, क्या करेंगे इसको कॉमन करेंगे सब। तो यहाँ पे लिखेंगे टू टी क्यूब है प्लस 26 टी स्क्वायर प्लस क्या, हाँ टी क्यूब क्यूब 26 टी स्क्वायर प्लस 64 टी प्लस 40। हो गया, अब इसको ना तीन पार्ट में अलग अलग कर देंगे। यहाँ पे कितने हैं, टू टी क्यूब प्लस 2 टी स्क्वायर। हो गया, फिर उसके बाद यहाँ से कितना था, 26 टी स्क्वायर, 2 टी स्क्वायर लिख दिए, तब कितना बचा, 24 प्लस 24 टी स्क्वायर, फिर उसके बाद 24 टी। ओके, 24 टी टोटल कितना था, 64, 64 था ना, इसमें से 24 लिख दे, बचा कितना इसमें, 40, 40 टी प्लस 40। अब क्या करेंगे, सब में से कॉमन कर लेंगे, इसमें से कितना 2 टी स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा टी प्लस 1, इस दोनों में से 24 टी कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा टी प्लस 1, फिर इसके बाद इन दोनों में 40 कॉमन, तो बचेगा टी प्लस 1, टी प्लस 1 सब में से कॉमन कर लेंगे सर, टी प्लस 1 सब में से कॉमन। यहाँ कितना बचेगा, 2 टी स्क्वायर प्लस 24 टी प्लस 40। ओके, दो सब में कॉमन है, दो भी कॉमन कर लेते हैं, 2 इंटू टी प्लस 1 कितना बचेगा, टी स्क्वायर प्लस 12 टी प्लस 20। ओके, अब 20 है, 20 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 2 से 10, फिर 2 से 5। ओके, तो यहाँ पे 10 और 2 कितना होगा, 12, और 10 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 20। तो यहाँ पे गुना करने पर ये लास्ट वाला और जोड़ने पर बीच वाला आना चाहिए, वैसे ही दो पार्ट में तोड़ना है, तो 2 इंटू टी प्लस 1, इसको लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 2 टी प्लस 10 टी प्लस 20, अभी दोनों में से कॉमन करेंगे, 2 इंटू टी प्लस 1, यहाँ पे दोनों में से कितना कॉमन, टी टी प्लस 2, इन दोनों में से 10 कॉमन, टी प्लस 2, 2 इंटू टी प्लस 1, दोनों में से टी प्लस 2 कॉमन, टी प्लस 2 कॉमन, बचेगा टी प्लस 10। ओके, यही आंसर आ गया, 2 इंटू टी प्लस 1 टी प्लस 2 इंटू टी प्लस 10। सिक्सटी फोर एक्स क्यूब ट्वेंटी सेवन वाई क्यूब। ओके, यहाँ से 64 कितना का क्यूब होता है, कैसे नहीं, चार का कितना, चार का कितना होता है क्यूब, तो यहाँ से ये 64 कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब एक्स क्यूब माइनस 27 कितना का, 3 का क्यूब वाई का क्यूब। ओके, यहाँ पे कितना लिखेंगे, 4 एक्स का क्यूब माइनस 3 वाई का क्यूब। ओके, अब यहाँ से क्या है, दिया गया व्यंजक, दिया गया व्यंजक ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप का है। ओके,
अब यहाँ से चूंकि हम जानते हैं, जानते हैं कि क्या ए क्यू माइनस बी क्यू का कितना होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। इसलिए 4x का क्यूब माइनस 3y का क्यूब कितना होगा, तो 4x माइनस 3y 4x का स्क्वायर प्लस 4x इंटू 3y प्लस 3y का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4x माइनस 3y, 4x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16x स्क्वायर माइनस 4 थे 12xy, 12xy प्लस में और यहाँ पे 9y स्क्वायर, यही तो था सब।